मैं हूं मोहम्मद रुस्तम कादरी और आज बानी व सदर डिस्ट्रिक्ट कुर्की प्रेस क्लब। आज हम पहुंचे हैं हाई कोर्ट और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पुलिस की जो चंद काली भेड़े हैं डिस्ट्रिक्ट कुर्की में और डिप्टी कमिश्नर जो चंद लैंड माफिया के लोगों की सरपरस्ती कर रहा था और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कुर्की प्रेस क्लब पर नाजायज़ पुलिस के साथ और DC के साथ मिलकर कब्जा करने की कोशिश की, जिसकी कंप्लेंस मैंने जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट को की, लेकिन वहाँ से दो पटिशनें पर ऑर्डर मिलने के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और पुलिस और डिप्टी कमिश्नर कुर्की जो है उन्होंने मुकम्मल माफिया की सरपरस्ती की। इस सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट कुर्की प्रेस क्लब की इंतज़ामिया और अहदेदारान जो हैं मेम्बरान हैं उनको पटिशन जो है दाखिल की हाई कोर्ट में, जो कि एक्सेप्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें ये उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कुर्की प्रेस क्लब के तमाम अहदेदार जो हैं उनको इंसाफ भी देगा और हमारे खिलाफ जो दर्ज FIR हैं, यानी कि जिस वक्त पटिशनें हमारी जेर समाप्त थी सेशन कोर्ट के अंदर, इसी दौरान जो है 19 मई को एक FIR हुई जिसके अंदर प्रेस क्लब के तमाम जो मेंबर और अहदेदारों को जो है उनके खिलाफ FIR काट दी जाती है। फिर 24 तारीख को जो है मई को ही एक FIR होती है जिस पर फायरिंग करके जिसका इल्ज़ाम ही मुझ पर लगाया जाता है सदर व बानी बिन थाई, शर्मनाक अमल था ये माफिया का। और हमने ये इस्तदा की है अपनी आला अदलिया से कि जनवरी से लग के 2024 से अभी तक जो है हमने मुख्तलिफ इदारों में दरख्वास्तें दी जिस पर किसी किस्म की कोई ना कार्रवाई हुई ना सुनवाई हुई, और इस वजह से हम जो है हाई कोर्ट से रुजू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये यकीन है कि हमारी अदलिया जो है फौरी और सस्ता इंसाफ जो है फराहम करती है। और डिस्ट्रिक्ट कुर्की प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान को भी मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका मुकदमा जो है वो काबिल समाअत है और जिसके ऊपर आइंदा जो है हेयरिंग की जो डेट होगी इंशाल्लाह हम बताएंगे, और वो माफिया भी सुन ले कि जिसने पुलिस की चंद काली भेड़ों के साथ और डिप्टी कमिश्नर कुर्की के साथ मिलकर ये घिनौना खेल खेला, और वो चंद मुनाफिकीन जो हैं प्रेस क्लब के वो भी सुन लें ध्यान से कि अब आपको हिसाब भी देना है जैसा कि मैंने मुतअद्दिद दफ़ा कहा, और आपने जवाब भी देना है कि ये अमल आपने क्यों किया। मैं इसी के साथ तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कुर्की के रहने वाले सामईन कारी तमाम सहाफ़ी और मेम्बरान से दरख्वास्त करूँगा कि आप पुरअमन रहें और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदके फ़तह आप ही के नसीब में है, और जिनके नसीब में रब ताला ज़िल्लत और रसवाई लिखता है वो ज़लील व ख़्वार हुए हैं और मज़ीद ज़लील व ख़्वार होंगे।